नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परिहार। आज एक आपको ऐसा मकान विजिट कराने लेके आया हूँ जिसको आप अंदर से देखते से बोलेंगे कि ये मकान नहीं, ये तो बंगला है। छोटी सी साइज में बहुत बढ़िया मकान बनाया है यहाँ पर, और इसकी लोकेशन भी आपको मैं आखिरी में बताऊँगा वीडियो के। लोकेशन आपको जज करना है कि ऐसा बंगला किस जगह पर हो सकता है। 30 फीट की पूरी वाइट सड़कें हैं, इस तरफ भी आप देखेंगे पूरी 30 फीट की वाइड रोड है। सामने कॉर्नर पे गार्डन है, और इसके सामने मकान के जस्ट सामने आपको स्कूल रहने जा रहा है। पार्किंग की कोई भी दिक्कत रहने नहीं वाली आपको मकान में। आइए इस मकान का अपन एलिवेशन देखते हैं। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन ने ये मकान को निर्माण करा है, और हमारे नाम पर मकान निर्माण है, श्रीनिवास के नाम पर मकान निर्माण कर रहा है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको टू स्टेप में स्टेप दे रखी है, ग्रेनाइट का वर्क है, इधर स्लोप दे रखा है आपको। इस तरफ आपको मिल रहा है गार्डन हिस्सा जहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, इसको भी पूरा ग्रेनाइट से कवर कर रखा है। यहाँ पर आपको 4 फीट का गेट मिल रहा है जो कि दोनों साइड ओपन रहने वाला है। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया अपनी पार्किंग हिस्सा। ऊपर आप देखेंगे CPVC शीट दे रखी है जिसमें प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, रात के समय में बहुत अच्छा उजाला रहने वाला है। इस मकान में आपको नर्मदा भी मिल रही है और बोरिंग भी मिल रही है दोस्तों। इस तरफ आप देखेंगे तो मीटर को पूरा कवर्ड करके दे रखा है ताकि बच्चे वगैरह हाथ लगाए तो कोई रिस्क ना रहे। इस दीवार को पूरा ही टाइल्स से कवर करके दे रखा है, सीपेज वगैरह की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अपने मकान का कलर सदाबहार रहने जा रहा है। ये डोर है अपना मेन डोर। हॉल में आने से पहले अपने को मेन डोर ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको प्लाई की बहुत अच्छी चौखट मिल रही है। ये हो गया अपना डोर, 4x7 का बहुत ही अच्छा वाला हेवी डोर लगा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। ये रहने जा रहा है अपना बहुत सुंदर लिविंग रूम। टीवी पैनल भी लगा के दे रखा है इसमें, बहुत ही सुंदर माइका लगी हुई है। इसमें भी आपको प्रोफाइल लाइट मिल रही है 3। ऊपर आपको पूरी POP मिल रही है, POP में पूरी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। घर में उजाले की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेंटिलेशन भी इस मकान में बहुत अच्छा मिल रहा है। इधर इस दरवाजे के पीछे आपको 3-tech विंडो मिल रही है, और इसमें आपको आयरन की बहुत मोटी बार मिल रही है सेफ्टी को देखते हुए। इस पूरे ही मकान में आपको 2x5 की टाइल्स लगी हुई है, और स्पेशल में टाइल्स लगाई हुई है। आइए अपन आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया मंदिर स्पेस। यहाँ पर आप मंदिर प्लान कर सकते हो, मंदिर की स्पेस दे रखी है। इधर भी आपको वेंटिलेशन के लिए 3-tech विंडो मिल रही है, और लोहे की बहुत मजबूत बार मिल रही है। स्टोरेज के लिए इधर भी आपको बना के दे रखा है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 9 सीटिंग सोफे लगा के दे रखे हैं। स्टोरेज के लिए इधर भी आपको स्पेस दे रखी है ताकि घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान इन्वर्टर वगैरह उसके लिए आपको जगह भरपूर मिलने वाली है। आइए आगे चलते हैं। इस पूरे ही घर में काम बहुत सफाई से हुआ है, और हर एक चीज फर्स्ट क्वालिटी की यूज करी हुई है। ये हो गया हमारा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा किचन। इसको आप किचन भी, इसमें किचन भी है प्लस इसमें डाइनिंग हिस्सा भी है। इसमें आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, चिमनी वगैरह सब लगा के दे रखी है। हिंडवेयर कंपनी की चिमनी रहने जा रही है, और फुली मॉड्यूलर किचन है ये। नीचे भी आपको स्टोरेज दे रखा है, ऊपर भी पूरा आपको स्टोरेज दे रखा है ताकि कोई भी समस्या नहीं आए आपको सामान वगैरह रखने में। इधर आपको 2 नल लगा के दे रखे हैं, एक में डायरेक्ट नर्मदा का पॉइंट आ जाएगा, एक में ऊपर का। ये हो गई अपनी कॉमन लेट बाथ। ये हो गया अपना टेबल टॉप बेसिन। ये हो गया अपना वॉश एरिया, और ऊपर देखेंगे आप तो OTS आपको दे रखा है। ये हमारा हो गया डाइनिंग हिस्सा। यहाँ पर आप 4 सीटिंग डाइनिंग आराम से लगा सकते हैं। जो हमारा हॉल और किचन की जो दीवार है इसको वुड में पार्टीशन दे रखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। आइए ऊपर चलते हैं।
यहाँ पर आपको ग्रेनाइट और टाइल्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और एसएसटी और ग्लास का कॉम्बिनेशन में आपको रेलिंग मिल रही है। आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं अपन मकान के। इस दीवार को बहुत सुंदर वॉलपेपर से डेकोरेशन कर रखा है और यहाँ पर आपको लाइट भी मिल रही है स्ट्रेस पे, ताकि रात में आपको उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। यानी इस वाली साइड को भी अपन ने वुडन से बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है। आइए आगे चलते हैं। मेरे इस तरह में आपका फर्स्ट बेडरूम और इस तरह में आपका सेकेंड बेडरूम। आइए फर्स्ट बेडरूम अपन देख लेते हैं, जिसको लेने जा रहा है मास्टर बेडरूम। ये है अपना मास्टर बेडरूम। साइड पे भी थोड़ा सा फिनिशिंग का वर्क अभी बाकी है, काम अभी चल ही रहा है दोस्तों। ये हमारा बेड बनने जा रहा है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं पंखे वगैरह सारी चीज, पीओपी वगैरह सारी चीज ओके है बिल्कुल। इस तरह आपको 3D वॉलपेपर मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा बहुत सुंदर और बहुत बड़ा अटैच वॉशरूम। ये अपना हो गया ओटीएस। यहाँ पर ऊपर आपको पूरा ओपन टू स्काई मिलने वाला है। मकान में काम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है और बहुत ही सफाई से हुआ है। इस तरफ आपको मिल रहा है कंप्यूटर टेबल, स्टोरेज रखने के लिए ग्लास का वर्क और वुडन का वर्क। इस तरफ आपको मिल रहा है स्लाइडिंग डोर वाली विंडो, स्लाइडिंग डोर वाली आपको वार्डरोब्स मिल रही है पूरी पूरी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको वुडन पार्टीशन मिल रहा है। इस तरफ आपको मिल रहा है स्टोरेज, जो भी घर में वेस्ट सामान है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की साइड। बहुत ही सुंदर बेडरूम रहने जा रहा है और मास्टर बेडरूम है ये भी, बहुत काफी बड़ा है। इस तरफ आपको वॉलपेपर मिल रहा है, बहुत ही सिंपल सोवर और डिसेंट रूप में इसको बना के दे रखा है। ऊपर आपको मिल रही है पीओपी प्लस प्रोफाइल लाइट के साथ में। इधर आपको मिल रहा है स्लाइडिंग वार्डरोब्स, ऊपर भी आपको स्टोरेज लेने जा रहा है। इस तरह का होगा इस बेडरूम से अटैच वॉशरूम, जो कि इसकी साइज है बहुत ही बिग साइज है और बहुत ही बड़ी साइज है इसकी। आपको घर में बहुत सफाई से काम मिल रहा है, घर बहुत अच्छे से बना है। ये हो गई अपनी बालकनी। ऊपर देखेंगे इसमें भी आपको सीपीवीसी सीट की पूरी फ्रेम मिल रही है, नीचे आपको वुडन मिल रहा है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस घर में आपको एसी सब लगा के दे रखा है हमने, एसी भी आप देख सकते हैं। एसी की लाइन, वाईफाई की लाइन सब छोड़ रखा है हमने इस घर में। आइए ऊपर चलते हैं, अपने टावर देख लेते हैं। ये हो गया आपका थर्ड बेडरूम, 3 BHK रहने जा रहा है अपना घर। ये हो गया बहुत शानदार थर्ड बेडरूम, जो कि अपना थर्ड फ्लोर पे है। इस तरह का अटैच वॉशरूम। इस पूरे घर में आपको वॉशरूम सारी बड़ी बड़ी साइज की मिल गई। हमेशा फैमिली बोलती थी कि वॉशरूम छोटा है, वॉशरूम छोटा है, इस घर में सारे वॉशरूम बड़े हैं। आइए ऊपर में बालकनी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सीपीवी सीट मिल रही है, वुडन का टाइल्स मिल रही है, और अगर वॉशिंग मशीन वगैरह रखना हो तो यहाँ पर एक नल भी ला के दे रखा है, ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए इसकी टेहर देख लेते हैं। ये हो गए हमारे टेरेस। आसपास का व्यू आप बता दो, बहुत घर बने हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों आपने मकान तो पूरा देख ही लिया है, इसकी आपको मैं लोकेशन और साइज प्राइस के बारे में बता देता हूँ। लोकेशन है हवा बंगला चौराहे से लगी हुई कॉलोनी विदुर नगर में, और साइज है 16x50 में ये मकान रहने जा रहा है, 3 BHK का मकान होने वाला है। और इसमें हम आपको सेमी फर्निश्ड मकान दे रहे हैं, जिसमें आपको सोफे वगैरह हम हमारी तरफ से आपको बनाकर दे रहे हैं। विदुर नगर में बहुत अच्छे अच्छे मकान हमारे हाथ से बने हुए हैं, और अगर इसी तरह की आप प्लानिंग चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। इस मकान को भी हमने सेल आउट के लिए बनाया है। 80 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 3 BHK मकान है और 16x50 है इसकी साइज। इसी तरह के वीडियो के से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद। जय श्री श्याम।